जब कभी भी पार्टिकल आएगा या तो वो क्षैतिज दिशा में गति करता है या पार्टिकल ऊर्ध्वाधर दिशा में गति करता है। लेकिन जब किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के साथ क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर के साथ किसी भी कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो पार्टिकल क्षैतिज गति करता है, साथ में ही ऊर्ध्वाधर दिशा में भी गति करते हुए लौटकर पुनः अर्थ पर पृथ्वी पर आता है। वो जिस पथ पर गमन करता है उसे प्रक्षेप पथ कहते हैं, अर्थात पार्टिकल हॉरिजॉन्टल क्षैतिज के साथ साथ ऊर्ध्वाधर गति भी करता है। इसको अगर हम देखें, जब हमने पार्टिकल को यहाँ से किसी पॉइंट से प्रक्षेपित किया है जिसको हम प्रक्षेप वेग v कहते हैं, यहाँ से जिस बिंदु से इसे प्रक्षेप किया जाता है इसे प्रक्षेप बिंदु या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं, इसे हम प्रक्षेप बिंदु या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। इसे जिस एंगल पर प्रक्षेपित किया जाता है उसे प्रक्षेप कोण कहते हैं। सपोज इसे अल्फा एंगल पर प्रक्षेपित किया गया है, इसे हम प्रक्षेप कोण कहते हैं। अब पार्टिकल को हमने जब किसी एंगल पर प्रक्षेपित किया है तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट होगा, ये भी हम यू लेते हैं तो ये कंपोनेंट होगा यू कोसाइन अल्फा। वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट होगा यू साइन अल्फा। अब पार्टिकल को जब इस एंगल में प्रक्षेपित किया है तो ये किसी एक प्रक्षेप पथ पर गमन करते हुए नॉर्थ पर अर्थ पर आता है। तो पार्टिकल द्वारा आप देखेंगे किसी भी बिंदु पर वर्टिकल डायरेक्शन में भी मूवमेंट हुआ है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मूवमेंट हुआ है। पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर की गई है इसे हम परास कहते हैं। पार्टिकल ने जितना क्षेत्रीय डिस्टेंस कवर की है, पार्टिकल द्वारा हाईएस्ट पॉइंट पर जाने के लिए अपने बिंदु से जितनी ऊंचाई कवर की है इसे अधिकतम ऊंचाई या एच मैक्स कहते हैं, अधिकतम ऊंचाई। ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गति करने के लिए जितने समय तक ये हवा में रहा है इसे टाइम ऑफ लाइफ कहते हैं। अब हम इसको वापस से देखते हैं, जिस बिंदु से पार्टिकल को प्रक्षेपित किया जाता है इसे प्रक्षेप बिंदु या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। जिस पथ पर पार्टिकल गमन करता है इसे ट्रैजेक्टरी या प्रक्षेप पथ कहते हैं। जिस पथ पर पार्टिकल गमन करता है का मान हमेशा कॉन्स्टेंट है, इसलिए
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos अल्फा, इस बिंदु पे भी u cos अल्फा ही रहेगा और वर्टिकल वेलोसिटी u sin अल्फा से 0 तक वेरी होती है। ये u sin अल्फा वेलोसिटी ही पिंड के ऊपर जाने का कारण होती है। अगर हम इस बिंदु पर देखें तो जो भी पार्टिकल के पास केवल u cos अल्फा वेलोसिटी है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। इस वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होने के कारण पार्टिकल यहाँ से नीचे गिरना शुरू कर देता है। अगर यहाँ पे u cos अल्फा वेलोसिटी नहीं होती तो पार्टिकल को यहीं पे ड्रॉप हो जाना चाहिए था, ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की तरफ गति करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। पार्टिकल पुनः वापस उसी प्रक्षेप तक पर, जिस प्रक्षेप तक पे आया था, उसी सिमिलर उसके मिरर इमेज बनाते हुए वापस लौट कर अर्थ पर आता है। ये पॉइंट इस प्रक्षेप बिंदु से ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। अब यहाँ पे u sin cos अल्फा वेलोसिटी होने के कारण ही पार्टिकल को इस डायरेक्शन में खींच के ले जाती है और धीरे धीरे ग्रेविटी के कारण इसकी वेलोसिटी वापस इंक्रीज होती जाती है और पुनः लौट के लिए इस बिंदु पर आ जाता है। अगर हम ये कहें, इसको समझने के लिए हम एक ट्यूब लें, ट्यूब के अंदर एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंकें और उस ट्यूब को हम क्षैतिज दिशा में एक समान वेलोसिटी से आगे की तरफ लेकर जाएं। जब ट्यूब एक समान वेलोसिटी यानी u cos अल्फा वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में गति कर रही है और पार्टिकल u sin अल्फा वेलोसिटी से ऊपर की तरफ प्रक्षेपित किया गया है, धीरे 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 पार्टिकल की वेलोसिटी कम होती जाएगी। एक बिंदु आएगा जब उसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और फिर वापस से चूंकि यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स काम करता है, इसके कारण ये वेलोसिटी हटकर आ जाएगी। उस समय पार्टिकल द्वारा जो पाथ अडॉप्ट किया गया है उसे हम ट्रैजेक्टरी या प्रक्षेपण कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम उसको समझने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम पर जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये बिंदु प्रक्षेप बिंदु है, इसकी हमेशा कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। प्रक्षेप बिंदु के कोऑर्डिनेट हमेशा 0 0 होते हैं। हमने इस प्रक्षेप पथ का समीकरण हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। समीकरण इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। हम इसको अज्यूम करते हैं कि पार्टिकल इस पथ का गमन करते हुए टी टाइम के बाद इस बिंदु पर पहुंच गया है। चूंकि प्रक्षेप बिंदु के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, हम ये मान लेते हैं इस समय पार्टिकल द्वारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तय की गई दूरी x है और वर्टिकल डायरेक्शन में तय की गई दूरी y है। अतः इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे x और y। इस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी है v और एंगल है थीटा। यहाँ पे एंगल अल्फा था, अब एंगल वैल्यू होकर थीटा हो गया। यहाँ पे ये वेलोसिटी v है, इसके भी दोनों कंपोनेंट होंगे v cosine theta और वर्टिकल डायरेक्शन में v sin theta। चूंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, इसलिए हम ये कह सकते हैं u cosine alpha बराबर होगा v cos theta। अब हम यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में इसका ग्राफ बनाते हैं। प्रोजेक्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है ध्यान में रखने के लिए ये है कि जब कभी हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करते हैं तो वर्टिकल को आपको पूरी तरह से भूल जाना है और जब वर्टिकल की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को बिल्कुल भूल जाना है। क्योंकि जब साइन 0 0 होता है तो कॉस 0 1 होता है और जब कॉस 90 0 होता है तो साइन 90 1 होता है। अर्थात वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल में कोई इफेक्ट नहीं होता और हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल में कोई इफेक्ट नहीं हो सकता होता है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि पार्टिकल को हमने यहाँ से u sin अल्फा वेलोसिटी से प्रक्षेपित किया है। आफ्टर t टाइम इसकी वेलोसिटी हो गई है v sin थीटा। पार्टिकल द्वारा यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर की गई है वो y के बराबर। गति के दूसरे समीकरण से h बराबर रहता है ut माइनस आप gt।
इसका है, क्योंकि यहाँ पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए जी का मान नेगेटिव होगा। एच यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके बराबर है वाई के यू, यू साइन एफ का के इंटू टी माइनस हाफ जी टी। Thank you.